हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन फाइव इंपॉर्टेंट स्टडी हैक्स फॉर विंटर्स। अब गाइस, विंटर का महीना आ गया है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। सुबह उठने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा नींद आती है। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपके विंटर मंथ्स है, ये बहुत क्रिटिकल है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, है ना। 2-3 महीने बाद आपके फाइनल एग्जाम्स आने हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो नाइन्थ स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम्स हो। इट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट वेस्ट इन स्लीपिंग एंड लेजिंग अराउंड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप जल्दी भी उठ पाएंगे और आप विंटर्स में बहुत अच्छी तरह पढ़ाई भी कर सकते हो, जिससे आपके अच्छे मार्क्स है, राइट। सो वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें और अगर अच्छी लगी थम्स अप दे दीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। सो लेट अस बिगिन। You know me, I am your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and welcome to today's session. तो गाइस, हमने आज का जो सेशन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका वेकअप रूटीन कैसा होना चाहिए, कितने बजे तक आपको उठना चाहिए और अपना टाइम टेबल एक तरीके से शुरू कर देना चाहिए। एंड सेकेंड, क्या करना चाहिए आपको पूरे दिन में जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो। स्लीप रूटीन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जिसको हम बस थोड़ा छुएंगे क्योंकि वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। बट टाइम पे सोना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दैट हम टाइम पे उठे, राइट। तो उससे पहले गाइस, वन क्वेश्चन दैट कम्स अप इज कि यार, व्हाई एम आई सो टायर्ड इन विंटर्स? क्या ये मेरे ऊपर है या इज इट समथिंग दैट इज बायोलॉजिकल? तो गाइस, लेट मी टेल यू समथिंग कि दिस इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली अ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, क्योंकि हमारे जो हमारा इंडिया है, कंट्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे गुजरता है। तो विंटर टाइम में हमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, क्योंकि हमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती तो हमारा ब्रेन जो है वो मेलाटोनिन जो है इट्स अ केमिकल कम प्रोड्यूस करता है एंड इट सॉरी ज्यादा प्रोड्यूस करता है एंड ज्यादा मेलाटोनिन जो है हमको स्लीपी फील कराता है। तो रिमेंबर कि इट इज समथिंग जो सबके साथ हो रहा है, इट इज नॉट कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, इट इज बायोलॉजिकल। एक हार्मोन है जो सिक्रीट हो रहा है जिसकी वजह से हमें ब्रेन जान के ज्यादा नींद दिलाता है। प्लस विंटर टाइम्स में क्योंकि हम सूरज इतना नहीं देखते, बाहर देखते हैं तो अंधेरा ही रहता है, बहुत छोटे छोटे दिन होते हैं, तो अगेन आर ब्रेन थिंक्स कि इट इज नाइट टाइम और वो हमें अगेन मेलाटोनिन की वजह से हमें नींद दिलाता है, राइट। सो लेट्स कॉन्कर ऑल ऑफ दीज विंटर हर्डल्स टू स्टडी एंड लेट्स मेक श्योर कि हम लोग विंटर टाइम में अपना वक्त जाया ना करें और उसको प्रोडक्टिव बनाए। तो सबसे पहले वेकअप रूटीन में इंपॉर्टेंट है कि हमें एक रूटीन एस्टेब्लिश करें, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 6 बजे उठ रहे हो, कल 7 बजे उठ रहे हो। हर दिन डिसाइड करो। कहा जाता है कि विंटर्स में बिटवीन 6:30 to 7 आपको उठ जाना चाहिए, उसके लिए टाइम पे सोना भी जरूरी है, राइट। बट जब आप अपना अलार्म क्लॉक करो तो प्लीज डू नॉट स्नूज एंड यू नो एज अ कर्ल मत करो। विंटर्स में हमारी टेंडेंसी होती है कि हम बिस्तर में से कर्ल करके सो जाए, राइट। मेरी भी होती है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेच। हार्वर्ड की एक साइकोलॉजिस्ट है एमी कडी, जिन्होंने बोला कि जब आप स्ट्रेच करते हो बेड पे तो आपको वो कॉन्फिडेंस देता है टू गेट आउट ऑफ द बेड। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। सेकेंड इज एक्सरसाइज। जब मैं बोलती हूँ एक्सरसाइज, आपके दिमाग में आता है जिम जाओ, ये करो, वो करो, इतना सारा हम लोग आजकल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं इंटरनेट पे, हमें लगता है कुछ फैंसी एक्सरसाइज है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पुट ऑन सम म्यूजिक दैट यू रियली लाइक एंड मूव योर बॉडी। यू नो, स्किपिंग अच्छा लगता है तो स्किपिंग करो, वॉक करना चाहते हो थोड़ा वहीं पर, जॉग करना चाहते हो अपने रूम में तो जॉग कर सकते हो। ही हा दैट्स व्हाट आई डू व्हेन आई डोंट वांट टू वेक अप। जैसे आज मैं सुबह सुबह उठी क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो अगेन आई काइंड ऑफ मूव्ड अराउंड, यू नो, बेंट एंड काइंड ऑफ पुट ऑन माई फेवरेट म्यूजिक। तो आप वो कर सकते हो क्योंकि आपका जब ब्लड सर्कुलेट होता है वो ब्रेन में जाता है एंड इट गिव्स अ सिग्नल टू द ब्रेन दैट द बॉडी इज अवेक। ठीक है, डोंट हिट द स्नूज बटन तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है दैट यू ड्रिंक कोल्ड वाटर, नॉट वार्म वाटर बट कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा, फ्रिज का पानी नहीं, रूम टेम्परेचर पानी। तो सोने से पहले आप वहीं पर एक ग्लास पानी रख लीजिए अपने बेड साइड टेबल पे एंड एज सून एज यू वेक अप यू ड्रिंक दैट वाटर। अगेन वो आपके ब्रेन को एक मैसेज देता है दैट यू नो यू आर अवेक। Another thing that you should do is probably have an apple beside you, any kind of fruit जिसको आप खा लो before you wake up, because वो आपको energy देता है to get up, right? Next is do not dress, you know, light बंद करके, windows बंद करके, window के curtains को खोलो, थोड़ी सी जो भी light है वो अंदर आती है, light on करो अपने घर की अगर बाहर अंधेरा है तो, and make sure that it is lightened up.
राइट अगेन दैट इज टू गिव योर ब्रेन अ सिग्नल कि सुबह हो गई है, उठने का टाइम आ गया है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज समथिंग गाइस जो हर सक्सेसफुल इंसान अपनी बुक में लिखता है, राइट, फ्रॉम बिलियनर्स टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, की व्हेन यू वेक अप यू मेक योर बेड. इफ यू मेक योर बेड तो उससे बड़ा एक आपको पुश नहीं हो सकता टुवर्ड्स स्टार्टिंग योर डे. एक कॉन्फिडेंस देता है कि भैया आप तो बिस्तर में वापस नहीं घुस सकते, इतना अच्छा बिस्तर बनाया है, सो वी शुड नॉट गो बैक टू इट एंड वी शुड स्टार्ट आवर डे. सो फॉलो दीज फाइव स्टेप्स टू वेक अप. अब एक बार आप जग गए, नेक्स्ट इज जो इस वीडियो का मेन पार्ट है एंड दैट इज हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली. विंटर्स में हम कैसे पढ़े कि हमारे अच्छे मार्क्स आए. अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम विंटर हैक्स की बात अलग क्यों कर रहे हैं. कहीं समर्स में अलग तरीके से पढ़ाई की जाती है, विंटर्स में जैसे मैंने आपको बोला क्योंकि हमारी बॉडी ही हमको रोक रही है एक तरीके से पढ़ने के लिए, उठने के लिए. वी नीड टू फाइट अगेंस्ट इट एंड स्टडी. बहुत क्रिटिकल टाइम है आपके लिए तो ध्यान से सुनना ये वाले हैक्स. सबसे पहले टेक अ वार्म बाथ, ठीक है, वार्म क्लोथ्स पहनो. वार्म क्लोथ से मेरा मतलब है कि यूजुअली ठंड जो है वो कान से घुसती है और पैरों से घुसती है, सो मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग योर ईयर्स एंड यू आर वेयरिंग सॉक्स. ठीक है, ये बहुत आसान लग रहा होगा कि यार इसमें क्या है, बट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक श्योर कि आप बीमार ना पड़ो और आप लंबे टाइम तक पढ़ाई कर पाओ. ठीक है, सेकेंड, फाइंड अ वेल लाइटेड प्लेस टू स्टडी. विंटर्स में स्पेशली अगर विंडो साइड आपको मिलती है, नसीब होती है, तो बहुत ही अच्छी बात है. नहीं तो जहां बहुत सारी लाइट्स है वहां पर पढ़ाई करो. थर्ड पॉइंट इज गाइस सनलाइट. सनलाइट के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, अपार्ट फ्रॉम गिविंग अस विटामिन डी, मेकिंग आर बोन स्ट्रॉन्ग, यू नो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है. विंटर टाइम में क्योंकि धूप इतनी कम होती है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि या तो सुबह सुबह अगर धूप निकली है तो हम जाके धूप खाएं थोड़ी, यू नो नीचे बैठे, या फिर थ्रू आउट द डे व्हेनेवर यू थिंक कि हाँ इस टाइम धूप निकलती है, लेट इट बी 12 o'clock, लेट इट बी 3 o'clock इन द आफ्टरनून, गो आउट एंड टेक 20 minutes ऑफ डायरेक्ट सनलाइट. ये जो आपका डायरेक्ट सनलाइट है इट गिव्स यू इट विल इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन जब आप पढ़ाई करते हो. ट्रस्ट मी गाइस, सनलाइट हैज हेल्प्ड मी. मिरेक्युलस होता है सनलाइट. ठीक है, तो ये तो आप जरूर कीजिए. फोर्थ इज पढ़ाई अच्छे करने के लिए, जिससे आपका फोकस अच्छा बना रहे, लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज एज वेल एज यू नो पीपल ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो हैव सजेस्टेड द ABC जूस. वाई डू आई सजेस्टेड, बिकॉज आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट एंड इट हैज हेल्प मी कि मैं लंबे स्ट्रेचेस तक पढ़ाई कर पाई हूँ, स्पेशली विंटर्स में. ABC जूस होता है एप्पल, बीटरूट और कैरेट जूस. तो मेक श्योर आप इसका जूस जरूर बनाएं. कुछ नहीं, आपको काटना है, मिक्सी में डालना है, छानना है और पी लेना है, है ना. एंड द फाइनल पार्ट इज मसाज. नाउ गाइस, एज आई सेड, विंटर्स में हमारा बॉडी जो है टेंड्स टू कर्ल, है ना, वी नीड टू एक्सटेंड इट सो दैट हम पढ़ाई अच्छी तरह कर पाए. तो रात को सोने से पहले ऑलिव ऑयल, जो गर्म ऑयल्स होते हैं, ऑलिव ऑयल हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इसको आप लेके अपने पूरे बॉडी में मसाज करो, स्पेशली हाथों और पैरों में तेज तेज, एंड देन यू हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप. तो अगर आप ये करोगे तो सुबह आप अच्छी यू नो अच्छी यू विल वेक अप वेल, राइट. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज फाइव हैक्स एंड आई प्रोमिस यू कि विंटर्स में जो आपकी लो प्रोडक्टिविटी है, जो आपको नींद आती है, आपको लगता है मन नहीं करा कुछ करने का, ऑल ऑफ दैट विल वैनिश अवे, राइट. फॉलो दीज एंड यू विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाई द कोल्ड वेदर. नाउ गाइस रिमेंबर, हमारी लाइफ में हम जो विंटर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अपस्ट्रीम स्विम कर रहे हैं, है ना, स्ट्रीम के अगेंस्ट स्विमिंग कर रहे हैं. मुश्किल होता है, बट यू विल आई प्रोमिस यू कि इफ यू फॉलो दीज हैक्स, पढ़ाई करने में इतना जोर नहीं आएगा, राइट. मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज मोस्ट ऑफ दीज हैक्स इज समथिंग दैट माई मॉम हैज टॉट मी, तो आई थॉट आई विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, राइट. नाउ गाइज, उसके अलावा अगर आप क्लास 10 स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो एज यू नो कि वेदांतु में वी हैव सम अमेजिंग प्रैक्टिस सेशंस जो हम आपके लिए लाए हैं, सो दैट विंटर्स में हम आपको पुश कर पाए टू प्रैक्टिस बिफोर योर एग्जाम, बिकॉज प्रैक्टिस एंड रिविजन इज वॉट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड अ टॉपर. तो साइंस और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस लाए हैं. द कोर्स प्राइस इज 450 rupees. अगर आप कूपन यूज करो SUG Pro, सुरभि गुप्ता प्रो, SUG Pro, ये मैथ्स और साइंस के लिए ही है अभी. SSC तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, राइट. तो मैथ्स और साइंस के लिए मेक श्योर दैट यू डू ज्वाइन एंड आपको बहुत फायदा होगा इससे, ट्रस्ट मी, राइट. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज SURABHI, सुरभि.वेदांतु.
एंड आई विल बी गिविंग देयर मच मेनी मेनी मोर सच टिप्स. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. हैप्पी स्टडिंग ड्यूरिंग विंटर्स. बाय बाय.